नमस्कार, पलपल में आपका स्वागत है। जिले के देहड़ गांव में अवैध शराब को लेकर देर रात खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज हिसार के निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के गांव देहड़ में अवैध शराब की बिक्री को लेकर शराब ठेकेदार और उसके साथियों पर 15-16 युवकों ने हमला कर दिया। हमले में शराब ठेकेदार के साथी 26 वर्षीय संदीप को गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शराब ठेकेदार अनिल और उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका हिसार के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावर दो गाड़ियों में सवार होकर आए और बैठे ठेकेदार और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। आरोपियों की ओर से की गई फायरिंग में ठेके पर बैठे एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भट्टू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए अग्रवा रेफर कर दिया गया। मामला अवैध शराब की बिक्री को लेकर आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच की जा रही है। फतेहाबाद से राजेश भांबू की रिपोर्ट। कल शाम को करीब 8:30 के आसपास की बात है, दहेड़ गांव जो भट्टू थाना के अंदर पड़ता है, उसके अंदर ठेके के अंदर घुसकर कुछ व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और तीन चार उसमें घायल भी हो गए। कारण क्या रहा सर इसका? इनकी पहले भी है ना रंजिश चल रही है ठेके के, और गांव में भी इनकी प्रतिद्वंदता चल रही है आपस में। पहले एक अनिल वाली पार्टी है, एक जयवीर एक सरपंच का पति है, उनकी आपस में पहले भी झगड़े चल रहे हैं, पीछे भी इनके मुकदमे दर्ज है। दोनों ही लाइसेंसी हैं सर या वह शराब का मामला चलता है इसमें? ये इसमें शराब भी एक चीज़ है और गाँव में भी इनके मेन गाँव में झगड़ा चलते हैं, पार्टीबाजी है गाँव में। तो इंजर्ड कितने हैं सर इसके? इंजर्ड इसमें 4 इंजर्ड हुए हैं और एक संदीप पासवान नाम का लड़का है, उसकी डेथ हो गई गोली मार दी। तो फिलहाल क्या कार्रवाई की पुलिस की? इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया 307, 302 आर्म्स एक्ट वगैरह है। इसमें कितने लोगों को दर्ज हुए सर? इसमें 5 तो भाई ने में और 8-10 हैं, जिसमें 3-4 गाड़ियों में सवार होकर आए थे और उसमें एक की डेथ हो गई, 3 अभी अंडर ट्रीटमेंट है। गिरफ्तारी सर इसमें? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी, जल्दी ही उनको ने अरेस्ट कर लिया।